कैमरा लेके अगर आ रहे हैं तो बार बार वो बोर्ड देख लीजिए, बोर्ड बहुत देखना इम्पोर्टेंट है। कैमरे का टिकट जरूरी है, कैमरा हैंडिंग वीडियो स्ट्रॉन्ग, कैमरा स्ट्रॉन्ग हैंडिंग वीडियो 300, वीडियो कैमरा का 500 रेट है। कैमरा का टिकट लेने के बाद मैं चला अंदर एंट्री लेने, क्योंकि एंट्री लेना बहुत जरूरी है। क्या खूबसूरत विहंगम नजारा है सामने, आप देख रहे हैं आकाश में मंदिर के ऊपर पंछियां विचरण कर रही हैं। शायद ये कैमरा रिकॉर्ड कर पाए या ना कर पाए, वो सामने देखिए खूबसूरत तोते, रिकॉर्ड कर पाए या ना कर पाए एक अलग बात है, लेकिन आंखों से दिखाई दे रहा है। आंखों का कैमरा बहुत बड़ा है, 360 डायोप्टर का है, और इसका शायद 20 या 16 डायोप्टर ही है। मैं अंदर आ चुका हूँ और ये मेरे साथ गाइड हैं। मेरा नाम वीर नारायण सिंह है, वीरू जी के नाम से लोग जानते हैं। ये महाबोधि मंदिर है, इसी के पीछे महाबोधि ट्री है, जहाँ पे सिद्धार्थ सम्यक संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने के बारे में पूरा डिटेल्स में मैं इनको बताऊँगा। देखिए यहाँ का ये मुख्य मंदिर है, इस मंदिर का नाम महाबोधि मंदिर है। इसका हाइट 180 फीट है बॉटम टू टॉप, 30 फीट सम्राट अशोक बनवाए थे लगभग 2300 साल पहले। 30 फीट का मतलब वो जो सामने में जो सेकंड डोर है जो स्तूपर है वहाँ तक, 30 फीट के ऊपर 150 फीट गुप्त वंश राजा बनवाए थे। जैसे कि मैं ये बता रहा था कि इस मंदिर का हाइट 180 फीट है, 3rd century BC में किंग अशोका ने 30 फीट बनाए थे, बाकी गुप्ता पीरियड में तैयार किया गया, फिर बख्तियार खिलजी 1205 AD में ये टेम्पल को ऊपर का 30 फीट तोड़वा दिया था, ऊपर से तोड़वा कर नीचे जो भी बचा मिट्टी से ढकवा दिया। लगभग 600 साल लगातार ये पूरा मिट्टी से कवर था। फिर 1880 में लॉर्ड केनिंघम आए थे, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, टेम्पल का था द्वारा बनवाए, चारों तरफ खुदाई करवाए, यहाँ जो भी वस्तु है खुदाई करने के बाद मिली है, वरना 600 साल इसे पूरा मिट्टी से ढका था। ये जो वस्तु बने हुए हैं जो मन्नत करते थे वो लोग बनवाते थे, अब नहीं बनाते हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगी। बोधि ट्री जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम ध्यान कर बुद्धत्व को प्राप्त किए, बुद्ध बने, और ट्री मंदिर के पीछे है। ज्ञान के बाद सेवन वीक्स मेडिटेशन किए थे सेवन प्लेसेस में, यहाँ पे वही सेवन प्लेसेस का महत्व है जो एक एक करके हम लोग सभी जगह पे चले। 100 फीट लंबा था लेकिन बख्तियार खिलजी तोड़वा दिया। इसके टॉप पे अशोका चक्र था, सेट का तीन हेड था, इसका हेड कलकत्ता म्यूजियम में है। अच्छा, ये सिंगल पीसेस को बुद्धत्व प्राप्ति के बाद एक वीक भगवान बुद्ध यहाँ पे ध्यान कर रहे थे। उनके ज़माने में ये पूरा जंगल था, तालाब नहीं था, प्लेन भूमि था। ध्यान के टाइम में जोर आंधी तूफान आया था, तब एक नाग निकला, अपना फन पर अच्छा किया, उसी की मेमोरी में ये लेख बनाया गया। नाग निकला कोबरा के मोट एंड प्रोटेक्ट हिम लाइक अम्ब्रेला फॉर हिज सेफ्टी बिकॉज व्हाइल ही वाज मेडिटेट देयर वाज सीवियर थंडर स्टॉर्म वाज ब्रोक आउट, ओके, सो जस्ट टू प्रोटेक्ट हिम नागा के मोट एंड प्रोटेक्ट। ये स्टैचू लेटेस्ट है, 1984 में बनाया बाय बर्मिस बुद्धिस्ट थिएटर। शरणं गच्छामि कुमार सिद्धार्थ थे, ये जब राजकुमार थे तो क्राउन रिंग मुकुट यूज किया करते थे।
ये स्टैचू ब्लैक का स्टोन का है, गोल्डन कलर पेंट किया गया है, पेंट होते रहता है। मूर्ति प्राचीन है। कितनी प्राचीन है? लगभग और इसके बारे में क्या आप बता रहे थे? इसके बारे में मैं ये बता रहा था कि ये जो स्तूपा पर्टिकुलर ये सब पहले मट्टी से रहता था, मट्टी खुदाई करते वक्त जो खंडित मूर्तियाँ मिली थी उनको जमा करके इसमें लगा दिया ताकि खंडित मूर्ति बिखरे नहीं, बर्बाद ना हो। और बाकी जो छोटे छोटे स्तूपाज हैं जो लोग मन्नत करते थे वो बनवाते थे, अब नहीं बनाते हैं क्योंकि जगह नहीं बचे। और ये सब जो रैलिंग है यहाँ पे ये किंग अशोका ने बनवाए थे 3rd century BC में, बट ये प्राचीन नहीं है, इनमें कुछ प्राचीन पीसेज है आपको मैं आगे बताऊँगा। उसी का कॉपी जो उसी का रिप निकाज है, ये सब 1880 के बाद बनाया है जो प्राचीन पिल्लर है, जैसे ये सब लेटेस्ट है, ये प्राचीन नहीं है। ये लेटेस्ट है। अच्छा, हाँ ये बालू का लग रहा है क्योंकि 2000 साल पहले सीमेंट यूज नहीं होता था ना। हाँ, इनकी स्टोरी, ये जो छोटा सा ट्री है राज यतन ट्री बोलते हैं, ध्यान के बाद लास्ट वीक एक वीक सातवां वीक यहाँ पे ध्यान कर रहे थे, वे जब ध्यान में थे दो बर्मीज बिजनेस में चावल शहद उनको दान में दिए, फिर वो दोनों बोले मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, बुद्ध के धर्म के शरण में जाता हूँ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। फिर यहाँ से बुद्ध गए सारनाथ बनारस के पास में, पाँच लोग को पहला प्रवचन दिए, उन पाँच लोगों ने बोले मैं बुद्ध के संघ के शरण में जाता हूँ, संगम इस ग्रुप ऑफ पीपल, संगम शरणम गच्छामि। चीन है, ब्लैक स्टोन के ऊपर पेंट किया है, ये जो नीचे हाथ किए हैं भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं, इस मुद्रा में ये जो स्टैचू है धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा है, इसे पहला प्रवचन दिए थे धम्म चक्र परिवर्तन फर्स्ट प्रीचिंग को। दिस इज द ओल्डेस्ट वन, दिस इज ओल्डेस्ट वन, वन पीस ऑफ स्टोन ये बचा हुआ है। एंड दिस इज द अशोका पीरियड, हां टाइम ऑफ किंग अशोका। ओनली टू स्टोन्स पिलर दे आर हैविंग द नो, दो यहां है दो आगे बचे, चार पीस बचे हैं। तीसरा पीस ओरिजिनल अशोका पीरियड, ये 3rd piece ओरिजिनल है, और ये वाला लास्ट वाला। तो फोर मार्किंग नहीं की ना, नहीं स्टोन का बना हुआ ना, ये देखिए पता चलता है, ये देखिए ये 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 जो स्क्रिप्ट के काम नहीं है। ये जो पिलर है अशोका पीरियड का पिलर है, और इसके ऊपर जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे 9 पिलर ही बचे हैं, बाकी पिलर का कोई अच्छा पता नहीं है। और सामने बोधि ब्रिका बोधि ट्री है, इस ट्री के नीचे में राजकुमार सिद्धार्थ सम्यक संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे 600 BC में, अबाउट 600 BC में, बट ये ट्री प्राचीन नहीं है, 4th generation है। पहला ट्री अशोक की वाइफ कटवाई थी, तिसरक्षिता नाम था, श्रीलंकन जो थी नहीं, शी वॉज फ्रॉम इंडियन, अशोकाज वाइफ। कई कहानियों में मैंने सुना कि वो श्रीलंकन थी, मे बी। सेकेंड ट्री को राजा शशांक कटवाए थे, वो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, थर्ड ट्री बाई नेचर गिर गया था, ये फोर्थ है। और तिक्षरक्षिता ने क्यों कटवाया था? क्योंकि वो चूँकि किंग अशोका आफ्टर कलिंगा वार जो है ना बौद्ध धर्म को अपना लिए थे ना, तब उनको अच्छा नहीं लगा था। शशांक इसलिए कटवाए को बुद्धिज्म नहीं मानते थे। तीसरा बाय नेचर गिर गया, ये चौथा है। तो जब पहला पेड़ था तो राजा अशोक ने अपना बेटा और बेटी को एक सैपलिंग देके अनुराधापुर श्रीलंका भेजे थे बुद्धिज्म को प्रचार के लिए, और जब पूरा ट्री नष्ट हो गया फिर वहाँ से एक सैपलिंग लाया यहाँ प्लांट किया। ये ट्री लगभग 150 साल पुराना है। अच्छा, लेकिन जगह वही है, जगह में परिवर्तन नहीं किया। अंदर में एक चबूतरा है, वहाँ से लीजिएगा। अंदर में एक चबूतरा है जिसे वज्रासन बोलते हैं, वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ, पूरा दुनिया में बुद्धिज्म का पहला जगह यहाँ होता है। एक
के स्टोन प्राचीन है, अशोक स्टोन अशोक डायनेस्टी का है। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला वीक भगवान बुद्ध ये ट्री के नीचे में इस मुद्रा में ध्यान किए थे, सेवन डेज कंटिन्यूस। सेकंड वीक वो सामने में टेंपल है, अनिमेष लोचन टेंपल बोलते हैं, वहाँ पे खड़े होकर इस ट्री को एक वीक तक देखे थे। उनका आँख बंद नहीं हुआ था, खुला था, सेवन डेज कंटिन्यूस। थर्ड वीक यहाँ चलते संक्रमण किए थे। संक्रमण का मतलब होता है वॉकिंग मेडिटेशन, जहाँ पैर पड़ता था लोटस फ्लावर निकलता था। अशोक राजा कल्पना करके ये पत्थर का फूल कमल से बनवाए, ये प्राचीन स्टोन से ये खुदाई में टूट गया, इसके लिए इतनी का ये बनाया है। सारे वही स्तूपाज हैं जो मन्नत करते थे वो लोग बनवाते थे। ये टूट गिर गए हैं, ऐसा ही कोई सुध नहीं है। ये कब का चचा होगा? ये फर्स्ट सेंचुरी एडी का है। कौन वाला? ये वाला जितने भी है ना, फर्स्ट सेंचुरी एडी को बनाया तब का एक रेनोवेट होते रहता है ना। जैसे मिट्टी से ढका था, खुदाई में टूट गया, सीमेंट देके बालू देके ये सब। ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा वीक यहाँ पे ध्यान कर रहे थे। वो जब ध्यान में थे, उनके बॉडी से पांच लाइट निकला था, ब्लू, येलो, रेड, वाइट, ऑरेंज। ये सामने में देखिए पांच कलर का फ्लैग है, बुद्धिस्ट फ्लैग है। और जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, इन्हीं पांच में से कोई एक वस्त्र पहनते हैं, चाहे कोई भी रंग का। Sarana
ये मूर्ति भी हजार साल प्राचीन है, बनवाई थी 2300 साल पहले। ये वाला था तोड़ दिया था किसी ने, ये नया है, बाकी प्राचीन। ये वाला पिलर नया है, अगर ये लेटेस्ट है बाकी प्राचीन है। और जैसे एक बुद्ध का चरण पादुका हम लोग ट्रिक नीचे देखे थे, एक बुद्ध का चरण पादुका यहाँ पर है। मूर्ति ये वाला आगे चलें। हाँ, ये जो खंडित मूर्ति है ना, जो खंडित मूर्तियाँ मिली थी खुदाई के वक्त है, उसी को जमा करके लगा दिया है। और फिर थोड़ा सा यहाँ से ये देख लीजिए, ये जो सामने में जो सफेद खंभा है, बीच में जो पिलर है, यहाँ पे बुद्ध के जमाने में बनियन ट्री था जो बाय नीचे गिर गया, ट्री के मेमोरी में पिलर बनाया है, बनियन ट्री था। हाँ, फिफ्थ वीक बुद्धा जी वहाँ ध्यान किए, बताए मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होते हैं। और ये जो बेल है 8 मीटर से बर्मीज लोग डोनेट किए थे, इसका वेट 5 क्विंटल है, 1000 ईयर्स में 500 kg वेट ऑफ दिस बेल। चल है। यहाँ पे था जो बाय नेचर गिर गया, जिसके मेमोरी में खंभा बनाया है। भगवान बुद्ध बताए थे मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होते हैं। ये इसको अनिमेशन टेम्पल बोलते हैं, टेम्पल नया है, प्राचीन है, 1984 के बाद बनाया है। मैंने आपको बताया था कि एक भी क्या खड़े होकर बोधि ट्री को देखते थे कंटिन्यूअस 7 डेज, उस प्लेस के लोकेट के लिए या मेमोरी के लिए ये टेम्पल बनाया है। Sangham Saranam
good time.